हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन को जरूर सेट कर देना, साथ ही शेयर कर देना ग्रुप्स में, लाइक जरूर से करना है वीडियो को। तो आपके लिए एक जो है अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी है नेवरी लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए जो है वैकेंसीज निकली हैं। वैकेंसीज़ का जो नंबर है वो काफ़ी अच्छा है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की बात करें तो 201 वैकेंसीज़ टोटल हैं और 175 जो है डिप्लोमा की वैकेंसीज़ हैं। तो और इसके साथ ही एक साल का ये ड्यूरेशन रहने वाला है दोनों ही केसेस में। और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की बात करें तो 15,028 रुपये जो है मंथली आपको स्टाइपेंड मिलेगा, और 12,524 स्टाइपेंड मिलने वाला है आपको डिप्लोमा अप्रेंटिस में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं वैकेंसीज नंबर की अगर बात करें तो मैकेनिकल में 50 वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल और ईसी में 50 वैकेंसीज़ हैं, सिविल में 18 वैकेंसीज़, इंस्ट्रूमेंटेशन में 8, केमिकल इंजीनियरिंग में भी 5 वैकेंसीज़ हैं, माइनिंग में 25 वैकेंसीज़, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 30, ईसी में 8 और फार्मासिस्ट में 7 हैं। तो नॉन इंजीनियरिंग से हमें ज़्यादा मतलब है नहीं, बाकी जिसका है वो देख सकता है यहाँ पर। डिप्लोमा अप्रेंटिस की बात अगर हम करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50 यहाँ पर रहने वाली है वैकेंसीज़, और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में 50, सिविल में 25, इंस्ट्रूमेंटेशन में 5, माइनिंग में 20 और कंप्यूटर साइंस में 20 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 5 रहने वाला है। टोटल वैकेंसी 175 हैं। बाकी जिसका अभी अप्रेंटिस एक भी बार नहीं किया है, ठीक है, वो ज़रूर इसे कर ले, अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मंथली स्टाइपेंड भी ठीक ठाक आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आपके पास जो है फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। इसके अलावा डिप्लोमा की बात करें, डिप्लोमा में आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका अदर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपका जो पास आउट ईयर होना चाहिए वो 20-21-22 होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास एक भी साल का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए इससे पहले, या फिर आपने कहीं अप्रेंटिस भी इससे पहले नहीं की होनी चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट की बात करें तो अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग रहने वाला है, ठीक है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात अगर करें तो आपका परसेंटेज ऑफ मार्क रहने वाला है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क जो आपके बैचलर डिग्री में है या डिप्लोमा डिग्री में है उसके बेसिस पर आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इजी सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जिसको अप्लाई करना है वो ज़रूर कर सकता है। आपको अप्लाई कैसे करना है तो आपको nlcindia.in पे जाना है, करियर में ट्रेनीज है। इसके अलावा जो है ये 10/8/2022 से लेके 24/8/2022 तक पोर्टल ओपन रहेगा, उसके बाद ये क्लोज़ हो जाएगा।